नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कर्मचारी और अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के लिए कितना संवेदनशील हैं, इसकी वानगी आज विकासखंड नारायण बगड़ की तीसरी बीडीसी बैठक में देखने को मिली है। जब ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों में विकास कार्यों पर चर्चा के लिए दूर दूर गाँव से बैठक में पहुंचे थे और ब्लॉक सभागार में जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारियों को न देखकर गुस्साए जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। बीडीसी बैठक का पूर्ण बहिष्कार भी कर दिया है। हालांकि खंड विकास अधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों को सुचारू रूप से बीडीसी सदन को चलाए जाने की अपील की, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसको बहिष्कार कर दिया। मैं ये कहूँगा कि ये अभी हमारी जो बीटीसी की तीसरी बैठक चल रही है और 3 साल गुजर गए हैं, 3 सालों में ये तीसरी बैठक है। इससे पहले जो बैठक हुई थी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत सदस्य ने, ग्राम प्रधान ने, क्योंकि हम चुने हुए हैं तो हम अगर गाँव का काम नहीं करेंगे, पब्लिक का काम नहीं करेंगे तो हमारा ये चुनने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम जो हमारे बीटीसी का जो बहिष्कार हुआ है माननीय प्रमुख जी के द्वारा और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा और उपाध्यक्ष होने के नाते अपने प्रधान संगठन के द्वारा भी हमारे द्वारा जो ये बहिष्कार किया गया, इस बहिष्कार का मेन कारण था कि बहिष्कार हमारे 3 बार के जो बीटीसी बैठकें हो चुकी हैं, हम अगर जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जितने भी हमारे प्रस्ताव थे पिछले, इनका कोई भी निराकरण किसी उच्च अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। बार बार जो है उन्हीं को, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, उन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो इस प्रकार से कम बीटीसी की जो बातें हैं, ये हमारे ग्राम सभाओं की जो बातें हैं, उसको भी आप कवरेज करते हैं। और यहाँ पे जो है जिला स्तरीय कोई भी अधिकारी मौजूद न होने के कारण पिछली बैठक में भी जिला स्तरीय कोई जो अधिकारी नहीं आ रहे हैं और विभागीय जो है अधिकारी जो होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, वो नहीं आते हैं। जो प्रधानों की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण नहीं हो पाता है। पिछली बैठक की जो अभी तक हम लोगों ने बैठकें की है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हमारे पास 16 विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं और जो सदन का निर्णय है, माननीय प्रमुख जी का निर्णय है कि इसमें जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, इस विषय पे बहिष्कार हुआ है। जो 16 विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी हमारे पास यहाँ पे, और पिछली बैठक में जो अधिकारी नहीं आए थे उनके लिए भी हमने विभाग को, संबंधित विभाग को सूचित कर दिया था कि वो विभाग में जरूर आए, अगली बैठक में जरूर आए, क्योंकि निर्णय प्रस्ताव पर नहीं है। ग्राम गंडी तल्ला से मैं यहाँ पे, हम बीटीसी बैठक जो रखाई गई थी उसमें हमारे जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पे पहुँचे नहीं है ब्लॉक स्तर पे, तो हमने आज बहिष्कार कर दिया है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो हमारा मेन प्रस्ताव है, वो यहाँ जो हमने उनके सामने पे रखना था, वो हमारे आगे जाके जिसने पास ही नहीं होना है, तो हम चाहते हैं कि हम आज विकास खंड नारायण बगड़ में सारे प्रधान लोग, प्रधान संगठन के जितने भी हैं, हम यहाँ पे बहिष्कार कर रहे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर दीपावली गिफ्ट पैकेज की होड़ देखने को मिली। बता दें कि विभाग की कंपनी स्वामियों से साठगांठ पर इसका वीडियो वायरल हो गया। दरअसल कंपनी मालिकों की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के प्रांगण में लाइन लगी दिखी। इस दीपावली गिफ्ट पैकेज पर आलाधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों का कैमरा देख विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से कभी 36 का आंकड़ा रखने वाले लैंस डाउन विधायक दिलीप रावत के सुर बदल गए हैं। पहले दिलीप रावत हरक सिंह रावत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हरक सिंह रावत के खिलाफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर सबको हैरान कर रहा है। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चली सियासी जंग के बारे में पूरा उत्तराखंड जानता है, लेकिन अचानक से अब बीजेपी विधायक दिलीप रावत के सुर क्यों बदल गए ये कोई समझ नहीं पा रहा। ना, निश्चित रूप से मैं हरक सिंह रावत जी के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करता है। मैं विभागों में अगर कोई अनियमितता हुई है, सर, कोई लोग अगर उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तो उसकी कार्रवाई की बात करता हूं। इसलिए मेरा अपना सोचना है कि अगर
सरकार को कोई कटघरे में खड़ा करना चाहता है तो निश्चित रूप से सरकार को उसको सीबीआई की जांच करा देनी चाहिए। खबर गदरपुर से है, जहां क्षेत्र में चोरों ने तांडव मचाते हुए कई घरों के तारे तोड़े, वहीं चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। दरअसल गदरपुर के आवास विकास क्षेत्र की 3 कॉलोनियों के 1 दर्जन घरों और 2 मंदिरों के ताले सुबह टूटे पाए गए। गदरपुर की जनता चोरों के आतंक से परेशान है। इस मौके पर बीजेपी नेता राकेश भुड्डी ने बताया कि गदरपुर में लगभग 12 जगह पर चोरी की वारदात सामने आई है। वहीं प्रीत विहार कॉलोनी के मंदिर से कन्हैया जी की मूर्ति, जो कि चांदी की थी, उसे चोरों ने चुरा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, रात तो बहुत बड़ी निंदा हुई है। 8 घरों में चोरी हुई है रात में, जिसमें से 1-2 दुकानों भी ताले टूटे हैं, और मंदिर में बहुत बड़ी चोरी के काम है। 2 मंदिरों में भी चोरी हुई है, चांदी के कुछ जेवरात कुछ चोरी हुई है, ताले तुले सेफे टूटी हुई हैं मंदिरों में। और हालांकि मैं अपनी एक बात बता दूं आपको, 6 महीने की बात, 19 मई की बात है सरकार, मेरे घर में चोरी हुई थी आज से 6 महीने पहले, 19 मई की बात है ये। और हमारे यहाँ पूरा ब्यौरा और जिस बंदे ने चोरी करी उसकी पूरी वीडियो और उसकी पूरी शक्ल आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बहुत ही निंदनीय कार्य है। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर गदरपुर क्षेत्र के अंदर इतनी चोरियां हो रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ चोरियां हो रही हैं, जिसमें कि पुलिस की बिल्कुल सरासर नाकामी साबित हो रही है और दिखाई दे रही है। क्योंकि ये लोग जो है कॉलोनियों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, केवल हाईवे पे चक्कर मारते हैं, कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल चक्कर नहीं मारते। जहाँ पे लोग रहते हैं निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं, लेकिन लोग निश्चिंत होकर सोने का माहौल ही नहीं रहा। सारी कहानी केवल पुलिस की ढिलाई है। अगर पुलिस प्रशासन सही हो जाए तो ये चोरियां बंद हो जाएं। मंदिरों में चोरी हुई है, मंदिरों में तो बहुत ही शर्मनाक कार्य है ये। अगली खबर लक्सर से है, जहां 6 अक्टूबर को लक्सर के एक व्यापारी के घर कुछ अज्ञात बदमाशों ने घुसने की कोशिश की थी, जिसमें असफल होने के बाद उन्होंने 2 बार हमला किया। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद कुछ कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाशों की गोली से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। SSP हरिद्वार योगेंद्र रावत के अनुसार पुलिस की 6 टीम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। इस दौरान पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया है, वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उसमें मुकदमा करके अपना पता रसी सुराग रसी और जो रहकी है वो अपना शुरू कर दी थी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाश इस दौरान यहाँ घटना के लिए आ सकते हैं। पुलिस जब अपनी इस सुराग रसी में और अपनी जो गश्त चेकिंग वगैरह इन चीज़ों में व्यस्त थी, तो 16 तारीख को फिर एक दूसरी घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे बदमाश जो कि दोबारा कुछ लूट का प्रयास कर रहे थे, उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अगली खबर थराली से है, जहां चमोली के विकासखंड देवाल के खेत मनमाती की दलित की गोली मार करके हत्या करने वाले हत्यारोपी की 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से क्षेत्र की जनता में रोष देखा जा रहा है। गुस्साए क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले 7 दिनों से लोग देवाल बाजार के टैक्सी स्टैंड पर अनवरत धरने पर बैठे हैं। आज हम लोग भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक माननीय प्रमुख साहब दशन दानू जी, 20 बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुँचे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां दिवाली के त्यौहार के नज़दीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने खानापूर्ति के चलते बुड्डा हेड्डी गांव में एक मकान के अंदर बन रहे रसगुल्लों की एक फैक्ट्री पर छापा मारा है। छापा मार करके सैंपलिंग की कार्रवाई भी की है।
कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया और घंटों तक कार्रवाई की जाती रही। इस बीच किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया गया और सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद अधिकारी सैंपल लेकर के वहां से निकल गए। किसी भी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की गई है और किस तरह से सैंपल फैक्ट्री से लिए गए हैं। खबर संभल से है, जहां एक छात्र ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 में शतानंद शर्मा ने 150वीं रैंक हासिल की है। शतानंद की कामयाबी से गांव में खुशी का माहौल है। शतानंद शर्मा वर्तमान में कुशीनगर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। देश भर में दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाना है। दिवाली पर्व से पूर्व बाजार पूरी तरह से रंगीन रोशनी से नहाए हुए नजर आ रहा है। वहीं कुम्हार भी अपने चाक से मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए हैं। हालांकि इन सब से अलग संभल में एक ऐसा मुस्लिम परिवार भी है जो खुद अंधेरे में रह करके दीपावली पर हिंदुओं के घरों को रोशन करने का काम कर रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार पिछले 35 साल से लगातार अपने हुनर से मिट्टी के दीपक और घोड़ा हाथी बनाकर बेच रहा है। जिले में उनके बनाए दीपक की खूब डिमांड रहती है। यही वजह है कि दीपावली पर्व से पहले ही उनका पूरा परिवार इस काम में जुट जाता है। परिवार दीपावली के पूरे सीजन में 40 से 50,000 दीपक बनाकर उनकी बिक्री करता है। ये तो हमें 35-36 साल हो गए इस काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले कौन करता था काम? इससे पहले हमारे जनाब वाली साहब करते थे। वाले साहब करते, अब आप करते हो? अब हम करते हैं। तो कितने दीपले बना लेते हो दीपावली पर्व पर? बहुत सब 50,000 या 40,000 से ही बनते हैं। तो डिमांड कहाँ कहाँ से आती है आपके पास? डिमांड हमारे पवार से जाती है और तुम्हारे संभल से आती है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए गए बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल शेखपुरा पुलिस चौक के पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को उठाने और चौकी ले जाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस राशन डीलर के खिलाफ जांच मामले को लेकर के घर से उठाया था। मिलने पर परिजन चौकी पहुंचे तो बुजुर्ग बेहोश की हालत में दिखे, जिसके बाद अस्पताल ले गए तो वहाँ बुजुर्ग की डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां विकासखंड पावो के पटौटी गांव निवासी मनोज साहू के शव को पुलिस ने सालाना गांव से बरामद किया है। मनोज साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने मंगलवार देर शाम थाना पौड़ी में कराई थी, जिसके बाद मामले को चौकी पौवा रेफर कर दिया गया। चौकी पौवा प्रभारी दीपक पवार ने बताया है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद उनके द्वारा CDR के माध्यम से मनोज साहू को खोजने का काम किया गया। सुबह लगातार प्रयास करने के बाद उनके शव को बरामद किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।